वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस, कैसे हो आप सब लोग। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाइए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपने वीडियो का टाइटल पढ़ लिया है तो आपको आइडिया तो आ गया होगा कि ये वीडियो किस चीज के ऊपर हमने बनाया है। तो पहली बात तो ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आनंद महिंद्रा ने एक चीज जरूर ठान ली है, कोई भी मौका इंडियंस को प्राउड फील करवाने का वो नहीं छोड़ते हैं, वो हमेशा इंडियंस को प्राउड फील करवाते हैं। और आज वही चीज हुआ है। XUV 700 के बारे में मैं बात कर रहा हूं, जिस हिसाब से डिजाइन बनाई है उस हिसाब से मैं टीम महिंद्रा और आनंद महिंद्रा को बाउ डाउन करता हूं। और आगे हम आज बात करने वाले हैं XUV 700 के स्पेसिफिकेशंस के बारे में। हम बात करेंगे XUV 700 के इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में, इंटीरियर्स के बारे में, एक्सटीरियर्स के बारे में, प्राइस के बारे में, लॉन्च डेट के बारे में और काफी सारे XUV 700 के यूनिक फीचर्स के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। सो पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि MD एंड CEO M&M यानी महिंद्रा एंड महिंद्रा के MD एंड CEO ने कंफर्म किया है कि 23 कार्स बाय 2026 वो लोग लॉन्च करने वाले हैं। उसमें से 9 SUVs रहने वाली है जो एक रिमार्केबल प्लेटफॉर्म सेट करने वाली है। हाँ जी, ये ऑफिशियली कंफर्म किया है आज XUV 700 के लॉन्च में। बाय दिस कंफर्मेशन एक बात तो श्योर है कि महिंद्रा एक ऐसा बेंचमार्क सेट करने वाला है कि सारे कॉम्पिटिटर्स, जो भी महिंद्रा के कॉम्पिटिटर्स है, उसको बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ेगा उनकी कंपटीशन में रहने के लिए। मैं कहना चाहूंगा उन्होंने स्टार्ट किया है न्यू थार से। थार 2020 जब लॉन्च की उन्होंने एक अलग बेंचमार्क सेट कर दिया। फिर प्रताप बोस ने जो न्यू लोगो महिंद्रा का फॉर द SUVs लॉन्च किया वो एक अलग ही बेंचमार्क था। और अभी XUV 700 यानी महिंद्रा शॉक पे शॉक दिए जा रहा है। तो ठीक है, अभी ये बात तो मैं छोड़ता हूँ क्योंकि मैं महिंद्रा का फैन हूँ तो मैं ज्यादा बोलता ही रहूंगा महिंद्रा के ऊपर। लेट्स स्टिक टू द टॉपिक एंड स्टार्ट विद XUV 700। सो सबसे पहले हम बात करेंगे इंटीरियर्स के बारे में, क्योंकि आपको भी पता है कि इंटीरियर्स ही ये कार का USP है, क्योंकि महिंद्रा ने ड्रास्टिकली इंटीरियर्स में चेंज किया है इन द XUV 700। सो पहले हम बात करेंगे 10.25 इंच स्क्रीन के बारे में, यानी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और इंफोटेनमेंट सिस्टम दोनों का 10.25 इंचेस का स्क्रीन है जो कि इंटीग्रेट किया गया है एड्रोनॉक्स। यानी एड्रोनॉक्स एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है जो XUV 700 को कमांड करता है। फिर Amazon Alexa को भी एड्रोनॉक्स के साथ इंटीग्रेट किया गया है, यानी कोई भी कमांड Alexa आपका इंटीग्रेट करेगी और उसके बाद वो कमांड फुलफिल करेगी। जैसे कि आप बोल सकते हो कि Alexa ओपन द स्काई रूफ, तो वो स्काई रूफ ओपन हो जाएगा। फिर है सोनी का 3D सराउंड साउंड सिस्टम, यानी कि इमर्सिव सराउंड साउंड सिस्टम विथ 12 स्पीकर्स। यानी आप महिंद्रा ने कंफर्म किया कि अगर आप उसमें म्यूजिक सुनोगे यू विल फील एज इफ यू आर सिटिंग इन अ लाइव कंसर्ट, विच इज अ ब्यूटीफुल थिंग। अभी तक मुझे लगा है कि ये सेगमेंट की कार्स में आई थिंक टाटा में सबसे बढ़िया म्यूजिक सिस्टम है। आई गेस दिस इज गोइंग टू ओवर पावर टाटा ऑल्सो। फिर इसमें एक और ऑप्शन है, यानी कि सीट्स स्लाइड बैक हो जाएगी वंस यू ओपन द डोर। आप कार अनलॉक करते हो, जैसे डोर ओपन करते हो सीट विल बी गोइंग स्लाइटली बैकवर्ड्स ताकि आप इजिली एंटर कर सको और अपना कमांडिंग पोजिशन ले सको। इसमें 360 डिग्री व्यू कैमरास दिए गए हैं और ये वाइड एंगल कैमरास है ताकि आप 360 डिग्री व्यू कार में बैठ के देख सकते हो। फिर इसमें आपको ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल AC यानी कि ड्यूअल जोन में, यानी ड्राइवर एंड को ड्राइवर दोनों का अलग क्लाइमेट कंट्रोल आप सेट कर सकते हो, ये फीचर भी आपको मिलने वाला है। फिर वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले आपको मिलने वाला है। फिर ऑटो होल्ड फंक्शन आपको मिलने वाला है और ऐसे कई फीचर्स जैसे कि ड्राइवर ड्राउजीनेस सिस्टम, ये सारे फीचर्स आपको इंटीरियर में महिंद्रा XUV 700 के साथ होने वाले हैं। फिर एक्सटीरियर के बारे में जैसे हम लोग बात करते हैं तो एक्सटीरियर में आपको स्मार्ट डोर हैंडल्स मिलने वाले हैं, LED टेल लैंप मिलने वाला है, 18 इंच के अलॉय व्हील्स मिलने वाले हैं वो भी डायमंड कट वाले। फिर LED क्लियर व्यू हेडलैम्प्स मिलने वाले हैं फ्रंट में, सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स मिलने वाले हैं, कॉर्नरिंग लैंप्स मिलने वाले हैं और हाँ जी उसका पेटेंट जो है वो है स्काई रूफ, आपको स्काई रूफ भी मिलने वाला है। फिर एक और चीज जो महिंद्रा ने थोड़ा ट्रिक निकाला है वो है उसके ड्राइव मोड्स,
ड्राइव मोड्स आपको पता होगा कि इको, कंफर्ट, स्पोर्ट्स, ये सारे ड्राइव मोड्स होते हैं। महिंद्रा ने थोड़ा ट्रिकी नेम इसको दिया है, उसका नाम उन लोगों ने रखा है जिप जैप जूम। जिप यानी इको मोड, जैप यानी कंफर्ट मोड, और जूम यानी जूम। महिंद्रा बोलते हैं कि इफ यू एंटर इन टू अ जूम मोड द कार विल टेक ऑफ, यानी ये स्पोर्ट्स मोड रहने वाला है। फिर बात करते हैं मॉडल्स के बारे में, तो महिंद्रा ने कंफर्म किया है कि इसमें दो टाइप्स के मॉडल्स रहेंगे, MX एंड AX। MX में हालांकि स्पेसिफिकेशंस ये रहेंगे। फिर दूसरा मॉडल जो आपका रहने वाला है वो है AX वेरिएंट। AX में आपको तीन ऑप्शंस मिलने वाला है, AX3, AX5 एंड AX7। ये सारे मॉडल्स के स्पेसिफिकेशंस कुछ इस तरह है। फिर सेफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो महिंद्रा ने कंफर्म किया है कि इसमें 7 एयरबैग्स रहने वाली है और डायनामिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम रहने वाला है विच मॉनिटर्स योर कार एंड एक्ट्स अकॉर्डिंगली। यानी कार अगर कुछ ट्रैक से इधर उधर जा रही है तो वो अपने आप डिसीजन लेके या ब्रेक करेगी या एक्सेलरेशन कम कर देगी, तो ये डायनामिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम रहने वाला है। फिर अगर हम इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं तो महिंद्रा ने कंफर्म किया है कि इसमें दो इंजन स्पेसिफिकेशंस रहेंगे। एक रहेगा एमस्टेलियन पेट्रोल इंजन टर्बोचार्ज्ड और एक रहेगा टर्बोचार्ज एम हॉक डीजल इंजन। यानी एमस्टेलियन पेट्रोल इंजन में आपका रहेगा 200 पीएस का पावर प्रोड्यूस होगा और 380 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क प्रोड्यूस होगा, वाइल डीजल इंजन यानी टर्बोचार्ज डीजल इंजन एम हॉक इंजन जो है उसमें आपका 185 पीएस का पावर प्रोड्यूस होगा और 420 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस होने वाला है। फिर महिंद्रा ने कंफर्म किया है कि इसमें ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शंस में भी ये कार अवेलेबल रहेगी और नॉर्मल एम हॉक डीजल और एम स्टेलियन पेट्रोल में ऑटोमेटिक एज वेल एज मैनुअल ट्रांसमिशन में भी ये कार अवेलेबल रहेगी। फिर एक चीज जो महिंद्रा ने कंफर्म की है कि 0 to 60 किलोमीटर पर आवर ये कार 4.7 सेकेंड्स में तय करेगी। यानी ये सेगमेंट में ये पहली ऐसी कार होगी जो 4.7 सेकेंड्स में 60 किलोमीटर पर आवर का स्पीड कंफर्म करेगी। जिस हिसाब से महिंद्रा ने आज प्रेजेंटेशन दिया था, उस प्रेजेंटेशन में लिखा हुआ था कि 3D सराउंड साउंड सिस्टम, 360 डिग्री व्यू कैमरा, ब्लाइंड व्यू मॉनिटरिंग सिस्टम, ये सारे फीचर्स ऑप्शंस में रहने वाले हैं। तो हालांकि और इसके अलावा ये सब मॉडल्स के अलावा और कोई मॉडल भी महिंद्रा लॉन्च करने वाला है ये अभी कन्फर्मेशन नहीं दिया है, सो लेट्स वेट फॉर दैट। सो गाइज, हमने पूरा वीडियो बना दिया था, तब तक महिंद्रा ने प्राइस रेंज रिवील नहीं किया था। सडनली हमें अपडेट मिलना चालू हुआ बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप से, काफ़ी सारे लाइक माइंडेड पीपल से कि प्राइस रेंज रिवील हो गया है। और प्राइस रेंज मैंने जब देखा था आई वॉज शॉक्ड, मुझे लग नहीं रहा था कि ये सही है, फेक न्यूज़ है, क्या है, कुछ पता नहीं चल रहा था। बट फिर धीरे धीरे कन्फर्मेशन आने लगा तो प्राइस रेंज MX पेट्रोल वेरिएंट का स्टार्ट होगा अप्रॉक्सीमेटली फ्रॉम 12 लैक्स एक्स शोरूम प्राइस, और AX5 वेरिएंट 7 सीटर पेट्रोल वर्जन आपको मिलेगा 15 लैक्स एक्स शोरूम। ये प्राइस रेंज अनबिलीवेबल है 7 सीटर कार के लिए। सो लेट्स वेट फॉर द लॉन्च डेट ऑफिशियली फ्रॉम महिंद्रा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, नहीं आया है तो डिसलाइक भी कर सकते हो, बट सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।